निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को जहां आरोप लिखा गया है कि मैं रविंद्र सिंह भाटी को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर इसी तरह उछलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं कि लोग कहेंगे कि एक और राजपूत सितारा चला गया। कथित तौर पर धमकी देने वाले ने रविंद्र सिंह भाटी के अलावा अपनी पोस्ट में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी और बाड़मेर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदा राम बाद ही इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रविंद्र सिंह भाटी जो कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार, उनको धमकी दिए जाने की बात दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ तो आप समर्थकों की भीड़ देख रहे हैं जहां रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त बालोतरा में अपने, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को धमकी दी गई है। मनु शर्मा मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से जुड़ गए हैं। मनु जी, रविंद्र सिंह भाटी और उसके समर्थक बालोतरा में इस वक्त मौजूद हैं, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार बताइए। धमकी देने की बात का काफी यूथ के अंदर फैन फॉलोइंग्स है और यूथ उनके साथ में जुड़े हुए हैं। आज जब कल वहां घटना हुई, जब मतदान हुआ था उस समय बायतू और थुम्बली दो जगह थी जहां पर आपस में टकराव रहा उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों के बीच में। तो लगातार रविंद्र सिंह भाटी की डिमांड थी कि जिन लोगों का, तो बालोतरा जो SP ऑफिस है हाल ही में नया जिला बना है, वहाँ कुंवर सिंह जो कुंवरिया कुंदन सिंह कुंवरिया SP लगे हुए हैं, उनके भी हाथ पांव फूल गए क्योंकि वहां भीड़ काफी संख्या के अंदर जमा होने लग गई युवाओं की। सबसे बड़ी बात है कि उसी बीच में एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे आती है जिसके अंदर रोहित गोदारा ने सीधे तौर पर धमकी दी रविंद्र सिंह, केवल सोशल मीडिया पे ये पोस्ट है तो उसकी जानकारी उन्होंने SP ऑफिस में भी दी है। लेकिन SP ऑफिस के बाहर जो उन्होंने धरना दिया, लगभग 5 घंटे धरना चला उनका और उसके बाद में 2 बार की उनके बाद बातचीत हुई, 2 दौर की प्रशासन के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में, जिसमें पहले दौर की वार्ता विफल रही। उसके अंदर SP जो है कुंदन कुंवरिया और ASP है धर्मेंद्र यादव, उनके साथ में बात मारपीट हुई, उनको बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा जो प्रवासी राजस्थानी जो बाहर रहते हैं यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे चेन्नई रहते हैं मुंबई रहते हैं, वो लोग जो वोट डालने के लिए जब आ रहे थे तो उनकी गाड़ियों को रोका गया और इसकी लगातार शिकायतें दी गई पुलिस प्रशासन को। और बूथ के ऊपर जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही थी उसको लेकर के उनका आरोप था कि वहां पर ना तो कोई पुलिस का जाब्ता पहुंचा 3-3 घंटे तक भी। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने धरना दिया और उनकी कई FIR आमतौर पर यह चेतावनी दी है कि अगर इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे तो वो धरना वापस से शुरू कर सकते हैं। तो लगातार आज दिन भर भी करीबन 4 से 5 घंटे तक रविंद्र सिंह भाटी और उनके जो साथियों का हुजूम था वो बालोतरा के अंदर SP ऑफिस के बाहर जमा रहा और लगातार प्रशासन जो है उनको समझाइश की कोशिश करता रहा। लेकिन आखिर में रविंद्र सिंह भाटी ने जो डिमांड्स रखी थी उनके ऊपर पुलिस प्रशासन, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने खुद ने बुलाया था उनको 11:30 बजे, जो पोस्ट डाली थी उन्होंने सोशल मीडिया पे कि वो बालोतरा SP ऑफिस के ऊपर पहुंच रहे हैं, जब से ही युवाओं का वहां पहुंचना शुरू हो गया था उनके समर्थकों का। लेकिन ऐसी कोई तोड़फोड़ और कोई कोई उग्र कोई उन्होंने घटना करी हो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, शांति से थे लेकिन नारेबाजी शुरू हो गई रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में। और उसके बाद में ही वहां पर पुलिस जाब्ता, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाया गया, उनको शांत करने की कोशिश की गई और इसके बाद में दूसरे दौर की वार्ता शुरू हुई जो करीबन 1 घंटे तक चली। और उसके बाद में दोनों पक्षों के बीच में जो तय हुआ है उसके अंदर उनकी FIR को ले लिया गया है और उनकी FIR में वो तमाम बातें लिखी हुई है जो वो डिमांड्स कर रहे थे कि बायतू लोग उनके नाम को EVM पर ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। दूसरी ओर वहां जहां उनके पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता बैठे हुए थे, पोलिंग बूथ पर जो एजेंट बैठे हुए थे उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया जी, बाहर से जो गाड़ियां आ रही थी उनको रोक दिया गया। करीबन 100 से ज्यादा लोगों को, उनके साथियों को डिटेन किया हुआ है अभी भी, जिनको तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए, ये तमाम मांगे उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने रखी थी। विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।